अस्सलाम वालेकुम, प्लांट्स एंड मी में आपको सना का खुश आमदीद। आज हम कटिंग से लगाएंगे वंडरिंग जू डूट। आप देख सकते हैं मेरा प्लांट कितना ज़्यादा फैल गया है। वैसे तो ये हैंगिंग प्लांट है और ये इस तरह से देखें इसकी टहनियाँ बढ़ती जाती हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से और सही तरीके से आप इसको कटिंग के साथ लगा सकते हैं। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, इसको कुछ हम बैलेंस कर लेते हैं प्लांट अपने को। ये मैंने अपने प्लांट्स को काट लिया है। एक दम से हम इसको मिट्टी में नहीं लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी टहनियों में मॉइस्चराइज़र होता है, तो इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी और उसके बाद फिर हम इसको मिट्टी में लगाएंगे। एक्स्ट्रा लीव्स जो हों वो आप इसके उतार लें। और इसको 2 से 3 घंटे के लिए हम रख देंगे और उसके बाद फिर हम इसको मट्टी में लगाएंगे। 2 hours later मट्टी में थोड़े छोटे छोटे से होल कर लें आप और उसके बाद हम इसको लगा लेंगे। बहुत जल्दी बहुत फैलने वाला प्लांट है ये। आप इसको एज अ गिफ्ट अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को दे सकते हैं। और इस तरह से सिर्फ हम इसकी टहनी भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारा ये एक छोटा प्लांट इसमें तैयार हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।